नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और बंबिया गैंग के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़, दो सदस्य हुए घायल। अमृतसर सीआईए स्टाफ वन की पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू, 5 अवैध पिस्तौल, 14 जिंदा राउंड किए बरामद। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे अटारी बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी का दिया आनंद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने कौशल बंबिया गैंग के 2 गुर्गों को घात कर हिरासत में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ शहर के बाहरी इलाके में उस समय हुई जब पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इसके विपरीत बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और गोलाबारी में दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं पकड़े गए बदमाशों के बारे में पता चला है कि दोनों कुख्यात कौशल बंबिया गैंग के सदस्य हैं। ये गैंग पंजाब में फिरौती हत्या लूटपाट जैसी संगीन वारदातों के लिए कुख्यात है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। इस मुठभेड़ से पुलिस को उम्मीद है कि अन्य अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सीगा अज सवेरे, तो काफ़ी दिनों तो एक व्यक्ति नू ट्रैक कर रही थी साड़ी टीम। तो ACP इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन च एक राजेश्वर नाँ का व्यक्ति जड़ा है, ये शूट आउट होया है, गोली लगी है। इनू फिलहाल तो एम्बूलेंस राही हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। 6 से 7 मुकदमे देते दर्ज हैं। 307 दे अटैम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, आर्म्ड रॉबरी। तो 3 साल तो यह PO चल रहा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, रहने वाला जलंधर का है, अलग अलग थां ते रह रहा सीगा। तो इनू काबू किया गया। जब काबू किया तो रिकवरी जद करा रहे थे ये वैपन की, 2 वैपन मिले इलीगल वैपन, इन्हें छड़ के वैपन चक के पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर पर इनू भी गोली लगी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो आने वाले टाइम से तुम्हें होर भी दस दिता जाऊंगा। थैंक यू। अमृतसर की CIA स्टाफ वन की पुलिस ने सूचना के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्ला ने बताया कि CIA स्टाफ वन के SI मनजिंदर सिंह ने अपने साथियों सहित उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान बलराम शर्मा मानसू गिल उर्फ मानस, बलनाच दीप सिंह, राजवीर सिंह, गुरसेवक सिंह मेहता के तौर पर हुई है, जिनके पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल, 32 बोर, 3 मैगजीन, 14 जिंदा रौंद, 1 देसी कट्टा, 12 बोर और 1 एयरगन भी बरामद की है। उन्होंने बताया कि ये आरोपी दूसरे राज्यों से अवैध असला मंगवाकर पंजाब में अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। फिलहाल सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड कनेक्शन का पता लगाया जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। साढ़े मानजोग CM साहब की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है ऑर्गेनाइज क्राइम और गैंगस्टर्स के खिलाफ। उसके तहत कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। 6 गैंगस्टर उबली क्रिमिनल जड़े ऑर्गेनाइज तरीके क्राइम को अंजाम देते हैं, वो असी अरैसट किए हैं। और उन्होंने तो 4 पिस्टल तो 1 टॉय पिस्टल जो बिल्कुल ही ओरिजिनल रियल पिस्टल लगता है, वो बरामद किए हुई हैं। इसका किंग पिन है बलराम शर्मा, जो कि आनंद नगर बटाला रोड का रहने वाला है, अमृतसर का, 35 साल की उम्र है, जिम का ट्रेनिंग भी दिता है, ओन भी करता है जिम। 3 केसिस ये खिलाफ पहला ही है, ये अटैम्प्ट टू मर्डर का, ए डिवीजन अमृतसर का, थाना सदर का, ये खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट का भी है, और कपूर
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਨਾਸ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮਾਸੀ, ਕਾਨਾ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਾ ਮਹਿਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਸੂ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਵੀਰ ਵੀ ਜਿਮ ਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਟੋਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੇਂ BNS ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਡੇਰ ਸਾਡੇ DCP ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ACP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਔਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਪਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੀਮਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਰਾਲੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਤਸਕਰੀ ਪਰ ਬਾਤ ਕੀ। ਆਪਣੇ 4 ਦਿਵਸੀਏ ਸੀਮਾ ਦੌਰੇ ਪਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਅਟਾਰੀ ਸੀਮਾ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸੀਮਾ ਪਰ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰਾਮਨੀ ਕਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਓਂ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਰਤਵਯ ਨਿਸ਼ਠਾ ਕੇ ਲੀਏ ਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ BSF ਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਗਾਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਨੇ ਸੇ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਸੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕੀ ਤਸਕਰੀ ਪਰ ਲਗਾਮ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਅਬ ਡਰੋਨ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਵ VK ਮੀਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਪਾਯੁਕਤ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, SDM ਮਨਕਵਲ ਸਿੰਘ ਚਹਲ ਔਰ ਅਨਯ ਵਰਿਸ਼ਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀ ਖੋਸਰਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕਿਆ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕਾ, ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਕਾ ਮਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਬ ਜਬ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ੌਰਯ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ, ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਜੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਸਪੂਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀ, ਮਾਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਬੜਾਇਆ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸੌਭਾਗਯ ਰਹਾ ਕਿ 62 ਕੇ ਆਕ੍ਰਮਣ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਭੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਕਰ ਛੋੜਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਤਾਕਤ ਕੋ ਨਾਪੋ ਤੋ ਉਸਕੋ ਵੀ ਨਪਵਾ ਦੀ। ਤੋ ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸੈਨਿਕੋਂ ਕੇ ਤਿਆਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਜਾਨ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕੋ ਧਵਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਕੋ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਕੜਾ ਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ CAE ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨਕੀ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਰੋਪੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਓ ਪੰਡੋਰੀ ਅਰਾਇਨ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਹਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਕੇ ਟਰੱਕ ਕੋ ਰੋਕਾ, ਤਬ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ। ਗਹਿਨ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਲਕ ਕੀ ਸੀਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਮੋਮ ਸੀਲ ਪੈਕਟ ਮੇਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਮੇਂ NDPS ਐਕਟ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ
पूछताछ के दौरान सुखविंदर सिंह ने खुलासा किया कि वह पिछले 20 वर्षों से ट्रक चालक के रूप में काम कर रहा है। उसने झारखंड के चंपारण में एक ढाबे से अफीम की सोर्सिंग करने और जलंधर के आसपास के इलाकों में इसकी आपूर्ति करने की बात कबूल की। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और अंतर्राज्यीय ड्रग सप्लाई चेन में आगे और पीछे के संबंधों की जांच के लिए पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग एसएसपी साहब सरदार हरकमलप्रीत सिंह जी खक जी के दिशा निर्देशों से श्रीमती जसरूप कौर बाट आईपीएस डीएसपी डीसर सरदार सरवणजीत सिंह जी के निगरानी हेठ सीए स्टाफ जलंधर दयाती की पुलिस ने सुखविंदर सिंह वासी दसूहा जिला हुशियारपुर नूं जुंड सिंघा मोड़ तो काबू किया है। इस दे ट्रक विचों 1 किलो अफीम बरामद की गई है। इस दे खिलाफ मुकदमा नंबर 150 जेल धारा 18B एनडीपीएस एक्ट तहत दर्ज रजिस्टर थाना आलमपुर विखे किया गया है। इस नूं पेश अदालत करके पुलिस रिमांड हासिल करके इस दी चल जायदाद दे बारे भी जानकारी हासिल की जा रही है। अमृतसर के श्री दरबार साहिब समूह में स्थित गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब की छठी मंजिल से गिरने से एक लड़की की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मेरी जानकारी के मुताबिक सुबह 9:30 के करीब उक्त लड़की द्वारा छठी मंजिल से छलांग लगा दी गई, जिस कारण नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिरोमणि कमेटी के सचिव ने बताया कि एक लड़की गुरु घर में माथा टेकने आई थी और उसने 9:30 के करीब गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब जी की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि उक्त लड़की अकेली आई थी या फिर इसके साथ कोई और भी था, इसने खुद छलांग लगाई है या फिर इसे किसी ने धक्का दिया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी जसपाल सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज सवेर के करीब 9:30 के समय अनुसार बाबा अटल राय एक प्रेमी जन गुड़िया सीगी, वो दर्शन प्रशन लिए आई है। दर्शन प्रशन किए या कि नहीं किए ये सीसीटीवी तो बाद पता लगेगा, परंतु 9:30-35 के विचाले ना ये बेटी वालों 7वीं मंजिल तो उत्तों छाल मार के अपनी जीवन लीला खत्म की गई है। ये बारे ना ही अजे पहचान हो सकी है। तो होर जड़िया फोटोज़ ने उस सीसीटीवी डिपार्टमेंट आप होया है भी एक किधरों आई आ किमें आई आ किमें कौन आ, वो सारा कुछ असी चैक करते पे हाँ। उस तो बाद ही वधेरे जानकारी दी जा सकती है। तो जदों ही ये घटना वापरी असी तुरंत आ गए हाँ। असी पुलिस नूं इनफॉर्म किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने सारे ने बड़े सहयोग के नाल अपना सारा अमला फैला लिया के उन्होंने अपनी कार्रवाई करके हुण वो डेड बॉडी इत्थों लै जा चुके ने। शनाखत होने ते संबंधता नूं वारसा नूं जिहड़ा है वो सूचित कर दिता जाएगा। अगली कार्रवाई जिहड़ी आ वो कानूनी कार्रवाई वो पुलिस डिपार्टमेंट ही करेगा। साढ़े कोले किसे किस्म की कोई जानकारी होगी तो असी आप जी नूं उपलब्ध करवा देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। सानूं मॉर्निंग इनफॉर्मेशन मिली गई सी कि बाबा अटल राय की बिल्डिंग के उत्तों एक लड़की हेठां डिगी है तो उसकी मौत हो गई है। उसके बाद असीं सारे मौके पर पहुंचे हैं, मौके आके जांच जारी है उसकी, तो जांच तो बाद ही पता लगेगा भी ये की किस तरह होया की कारण होया जी, क्योंकि कितने बजे का समा सीगा कहंदे कि मत्था टेकन आई सी लड़की। देखो ये जांच के दौरान ही पता लगेगा भी ये केड़ी साइड तो आई सी, कल्ली आई सी जां इहदे नाल सी कोई, तो ये भाणा किदां वापरिया वो सारा जांच तो बाद ही तुहानूं दस्सिया जाऊगा। कितनी मंजिल तो छलांग लगाई सर? ये करीब 2, 4, 6 मंजिलां हैगियां बाबा अटल राय दीआं। ये उपरली टॉप तो इहने छाल मारी, छाल मारी है जां डिगी है ये अजे क्लीयर आप कुछ नहीं दस सकते। जानकारी हले तक मिल सकी है कोई आइडेंटिटी कितों की आई सी कोई जानकारी इस लड़की वाले? नहीं हाले तक ये बारे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी, बाकी हूँ जांच जारी है। डेड बॉडी अभी चुका रहे हैं, इस चुकाने बाद सारी असी प्रोपर यदि टैक्नीकल जांच करा सीसीटीवी कैमरे देखा कि आई है तो ये कोई नहीं
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਮਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ जालंधर ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपाहिज व्यक्ति से लूट के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। घटना के 24 घंटों के भीतर चोरी की गई नकदी भी बरामद की। आरोपी की पहचान लामबड़ा थाना के अंतर्गत आने वाले वडाला गांव निवासी रोहित के रूप में हुई है। एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह कक ने बताया कि शिकायत के बाद अपराधी को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई। एसपी जसरूप कौर बाठ और डीएसपी करतारपुर सुरेंद्र पाल धोगड़ी की देखरेख में एसएचओ बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान लामबड़ा के पास आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में लामबड़ा थाने में आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक जाँच से पता चला कि रोहित कमजोर व्यक्तियों को निशाना बना रहा था और उसने विकलांग पीड़ित को आसान लक्ष्य के रूप में चुना था। पुलिस टीम ने आरोपी के कब्जे से 2000 रुपये भी बरामद किए। एसएसपी ने कहा कि आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा जहां आगे की जांच के लिए उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। एसएसपी खक ने मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। उसकी उम्र तो महज 10 वर्ष की है लेकिन उसके काम बड़े निराले हैं। इस छोटी सी उम्र में उसने जो कमाल कर दिखाए हैं वे हम सबकी कल्पना से भी परे हैं। बड़ी उम्र के वीर लोग भी शायद वे काम कर पाए। इस उम्र में उसने एक ऐसा अनोखा शौक पाल रखा है जिसने उसे चंद महीनों में ही विश्व स्तर पर लोकप्रियता दिला दी। दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एक 10 वर्षीय बालक जालंधर का रहने वाला है और उसका नाम विहान शर्मा है। दरअसल उसे फाइटिंग गेम का शौक है और खेल खेल में अब वह इसमें बड़ी महारत हासिल कर चुका है। उसके इस शौक ने ही उसे फाइटिंग गेम में महारत हासिल कर चुके दुनिया भर के महारथियों की कतार में ला खड़ा किया है। हैरानी की बात तो ये है कि वह फाइटिंग गेम के कई महारथियों को भी चित कर चुका है। दैनिक सवेरा संवाददाता ने विहान के इस अनोखे शौक और इसमें उसकी उपलब्धियों के सफर के बारे में उससे बातचीत की। गौरतलब रहे कि विहान जालंधर के पुलिस डीएवी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र है। पढ़ाई में वे अब तक हमेशा अव्वल रहता आया है। उसे तैराकी और कुंग फू का भी बहुत ज़्यादा शौक है। होमवर्क पूरा करने के बाद उसे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना भी बेहद अच्छा लगता है। हालांकि दुनिया के सबसे टफ फाइटिंग गेम स्ट्रीट फाइटर 6 के लिए वह दिन में 1 से 1.5 घंटे का समय ही निकालता है। खेल खेल में वे इस गेम में मास्टर रैंक भी हासिल कर चुका है। पेश है हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की ये विशेष रिपोर्ट। तो मेरा नाम है विहान शर्मा, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 10 साल है। मैं पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मेरे मन में बहुत खुशी है कि मैंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा रैंक हासिल कर लिया। मैंने ऐसा मतलब पापा ने मेरे को बताया था कि मतलब मोटिवेट किया था। फाइटिंग गेम है, इसमें मतलब जैसे गन्स वगैरह नहीं है, बस हाथ पैर मारने, हिटिंग करनी है इसमें आगे वाले अपोनेंट को। पहले तो स्कूल से आता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, फिर मेरे को मिलता है 1 घंटा उसमें खेल के। उसके बाद जो टाइम होता है उसमें मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ खेलने, और फिर जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी क्लास का टाइम हो जाता है, कुंग फू क्लास। कितने समय से ये कर रहे हो आप गेम? ये गेम मैं पूरे 10 महीने से कर रहा हूँ लगातार। हाँ जी। तो आगे करने का क्या विचार है? आगे जाऊँगा मैं टूर्नामेंट्स में इस गेम के। अब मैंने जाना है टोक्यो जापान, वहाँ पे टूर्नामेंट है ईवीओ का। उसमें तकरीबन कितने पार्टिसिपेट जा रहे हैं? उसमें कई हज़ार लोग जा सकते हैं। क्वालिफाई जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो एज के हिसाब से आप सबसे छोटे हो या कैसे? हाँ जी, एज के हिसाब से मैं सबसे छोटा हूँ। हमने रिसर्च करी थी तो मेरे से छोटा कोई नहीं निकला। भारतवर्ष में आपका रैंक क्या है? भारतवर्ष में मेरा रैंक अब इस वक्त 3rd बेस्ट प्लेयर चल रहा है। थर्ड। तो इसमें मोटिवेशन जैसे आप बोल रहे हो पापा के, पापा भी खेलते हैं गेम? पापा भी खेलते हैं। तो उनका रैंक क्या है?
पापा डायमंड वन हैं। जैसे पहले हमें 10 मैचेस खेलने होते हैं, उसके बाद जिस हिसाब से आप परफॉर्मेंस करोगे ना उन 10 मैचेस में, आपको ऐसा रैंक मिलेगा। अब मैंने जो परफॉर्मेंस की थी उसकी वजह से मुझे सिल्वर मिला। वैसे रुकी, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम लेवल पे आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, ठीक है, फिर डायमंड, ठीक है, डायमंड मास्टर से नीचे होता है। तो डायमंड वन पे पापा हैं, मास्टर पे मैं हूँ, डायमंड वन आई मीन डायमंड और फिर मास्टर। और मास्टर के 1-2 नहीं होते, हर टीयर का 5 होता है। जैसे प्लेटिनम 1, 2, 3, 4, 5, डायमंड 1, 2, 3, 4, 5, मास्टर का नहीं होता, मास्टर मास्टर। इसके अलावा कौन सी गेम करते हो आप? इसके अलावा मैं गॉड ऑफ वॉर खेलता हूँ, गॉड ऑफ वॉर। उसमें कैसे हो आप? उसमें भी मैं बहुत अच्छा, मैं 2-3 बार ख़त्म कर चुका हूँ उसे। तो ऐसे एज ए स्टडी स्कूल की लगाए तो उसमें? उसमें मैं अभी पिछले साल 2nd आया था, इस साल 3rd आया हूँ, अभी आगे भी मतलब बैलेंस करके चल रहा हूँ। फर्स्ट आने का चांस है ना? हाँ जी है, बिल्कुल है जी सर। जी मेरा नाम अरमान शर्मा है, मैं विहान का फादर हूँ और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि इसने जो अचीवमेंट अभी करी है ऑनलाइन वीडियो गेमिंग में। यूजुअली वीडियो गेम्स को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, पर इसने जो अचीवमेंट्स करी हैं उससे इसे फ़ायदा भी बहुत पहुंचा है। सर मैं खुद भी एक गेमर हूं बचपन से, मुझे गेमिंग का काफ़ी शौक रहा है, तो गेमिंग से मुझे कभी कोई नुकसान नहीं लगा अगर उसे सही तरीके से खेला जाए। तो अब मैंने देखा कि मोबाइल्स या किसी भी आईपैड्स वगैरह पे बच्चे खेल ही रहे थे गेम्स, तो मुझे चूँकि थोड़ी नॉलेज थी तो मैंने फिर रिकमेंड किया कि वो गेम खेलिए जिसमें आपको अचीवमेंट करने का मौका भी मिले। हाँ, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पता था ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट है खेलनी, तो ये उसमें इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लेगा इतने कम समय में विहान, इसका मुझे उम्मीद नहीं थी, बट उसने कर लिया। ये थोड़ा अनयूजुअल था एक्चुअली, क्योंकि इसमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो यूजुअली कई सालों से खेल रहे हैं। ये गेम लगभग 30 साल पुरानी है, इसके कई वर्जन आ चुके हैं, अभी 6th वर्जन चल रहा है, इसे स्ट्रीट फाइटर 6 बोलते हैं। तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो कई कई साल के प्रैक्टिस करे हुए प्लेयर्स हैं। तो जब इसने वो अचीवमेंट करी तो उस वक्त जब इसके मेरे कलीग्स को और इसके क्लासमेट्स को, टीचर्स को, सबको पता लगा, तो एक बार तो किसी को यकीन नहीं हुआ, इवन वर्ल्ड कम्युनिटी में हमने अनाउंस किया तो यकीन नहीं हुआ। तो धीरे धीरे जब एस्टेब्लिश हुई बात तो उन्हें समझ आई कि ये यंगेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड का जिसने ये अचीवमेंट करी है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ बिग प्राउड। वैसे तो ये सारी बातें मान लेता है, लेकिन हाँ गेम की वजह से अगर मैं ऐसे कुछ बोल देती हूँ कि देखो गेम खेलने को मिलेगी, तो और भी अच्छे तरीके से ये सारी बातें मान लेता है कि बहुत मुझे इसका बेनिफिट मिला है गेम की वजह से। तो पढ़ाई में कैसा है? पढ़ाई में ये बहुत अच्छा है, ये अपने स्कूल का असिस्टेंट डिसिप्लिन इंचार्ज भी है और रैंक जो है ये स्टडीज़ में अचीव करके लाता है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसके साथ ज़रूर दें। बच्चा स्टडीज़ में अच्छा है, बच्चा गेम्स में अच्छा है, और अगर वो वीडियो गेम भी साथ में खेल रहा है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव नहीं है, आप उसे खेलने दीजिए, लेकिन डेफिनेटली एक डिसिप्लिन में। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर डुमरियापुर में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माँ बंगलामुखी जी एवं माँ काली जी के परम उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम पूजनीय पंडित चक्र प्रसाद जोशी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया एवं अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की मातृशक्ति ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर हवन यज्ञ में हुदकन डाल दी। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने सभी देशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। इस अवसर पर अश्विनी कुमार यादव, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, इकबाल सिंह, मोहित गांधी, यशिका कालिया, विपिन गोयल, राजकुमार सतपाल, रिद्धि सिद्धू, दिव्य चोपड़ा सहित असंख्य माँ बंगलामुखी जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में नहाउतियाँ डाली। तो वहीं आए हुए मुख्य यजमान को माँ की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम मोहल्ल बाग बारियां पुरानी कपूरथला रोड में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री
1008 स्वामी निरंजनानंद गिरी जी महाराज के कृपा पात्र परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में चल रहे 5 दिवसीय 52वें विराट वेदांत सम्मेलन को विश्राम दिया गया। संत सम्मेलन में महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर गिरी महाराज हरिद्वार वाले, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद जी महाराज, आचार्य स्वामी ऋषिराज, महंत आदित्यपुरी, महंत केशवगिरी, महंत माधवानंद, महंत भास्करानंद गिरी, महंत मंगत मूर्ति, महंत कमलेश्वरी ने संगत को प्रवचनों से कृतार्थ किया। इस दौरान पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सभी संत महापुरुषों ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि सत्संग का अर्थ सत्य का संग है। संत और महापुरुष मनुष्य को भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जिसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी गिरिधर गिरी महाराज और आचार्य स्वामी ऋषिराज ने भी भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जानवर और मनुष्य में सिर्फ विवेक अर्थात बुद्धि का अंतर है। मानव योनि में ही मुक्ति को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए हमें सदा प्रभु का स्मरण करना चाहिए, तभी मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। इस अवसर पर आज़ादी, कपिल शर्मा, भोला, दीपक, जसविंदर शर्मा, मीना शर्मा, बिल्ला, हीरालाल, रमेश दत्ता प्रभु सहित भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के इस पीठ के अध्यक्ष और परमाध्यक्ष हमारे स्वामी जी महाराज हरिद्वार से पधारे हुए कृष्ण निवासी अनंत श्री गुरु से परम पूज्य पूज्य चरण महामंडलेश्वर 1008 स्वामी जी महाराज आपके चरणों में वंदन नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय स्वामी ऋषिराज जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य चरण स्वामी आदित्यपुरी जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी मंगलमूर्ति जी महाराज, परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी भास्करानंद जी महाराज। मैं अपने वालों हर एक संत बंदे चरणों के नमन करता और अज 52वां विराट सम्मेलन जी शुरुआत साढ़े बड़े महाराज जी अज तो 52 साल पहला करके गए सी। सो उस तरीके दे नाल उना दे इस दुनिया तो ब्रह्मलीन होने तो बाद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग स्वामी जी 1008 देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज उन्हां दी जिहड़ी पाए हुए पूरने उन्हां नूं अगे वधा रहे आ। उन्हां दे दित्तियां होईयां सिक्ख्यावां नूं जन जन तक पहुँचाउण दे लई अपना दिन रात मेहनत कर रहे आ। सो मैं समझदा कि अज दे इस जीवन दे विच जदों असीं सारे लोग चाहे कोई लीडर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है, अपने अपना जीवन है जिहड़ा जी रहे हैं, पर मैं समझदा कि साडे जीवन दे विच जिहड़ियां खुशियां खुशहाली जिन्नी देर तक असीं गुरु जनां दे संत जनां दे चरणां दे विच नमन हो के उन्हां दी सिक्ख्यावां ते नहीं चलांगे साडे जीवन दी जिहड़ी खुशहाली है वो कभी भी असीं जिहड़े है कुछ नहीं रह सकते। हम सब के अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा के ही स्वरूप अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परिराज का आचार्य वेदांत वागी जी महाराज जी पूज्य बड़े महाराज जी हम सब के मध्य में विराजमान इस सत्कर्म की अध्यक्षता कर रहे 52वें विराट वेदांत सम्मेलन को सुचारू रूप से हम सबके मध्य में उसे प्रचारित एवं प्रसारित कर रहे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर महाराज श्री जी भगवान में शयन करो वंदे श्रद्धा विश्वास। जब तक भगवान शिव और मां पार्वती को भगवान शिव को श्रद्धा
के रूप में, माँ पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में और भगवान श्री शंकर जी को आप विश्वास के रूप में अपने अंदर धारण नहीं करते तब तक आप उस वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आइए कि पहले एक भजन के द्वारा हाजिरी लगाएंगे। ये बावनवा उत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं वेदांत सम्मेलन में। कौन नहीं जानता होगा ब्रह्मलिंग महामंडलेश्वर सबदेव स्वामी निरंजनानंद जी महाराज को। जब वो गरजते थे वेदांत में मुझे याद है, राजौरी में सुना, कुरुक्षेत्र में सुना, कई जगह उनको सुनने का मौका मिला। आइए, वेदांत का सम्मेलन है तो वेदांत के माध्यम से एक श्लोक की हम व्याख्या करेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस परिपूर्ण परमात्मा को जानना। विभिन्न शास्त्रों में उस परिपूर्ण परमात्मा के विषय में अनेकानेक चिंतन किया गया और अलग अलग मतों में अलग अलग रूप में उसके स्वरूप का चिंतन किया गया। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, लोग भिन्न भिन्न अपनी अपनी मति के अनुसार उसके स्वरूप का चिंतन करते हैं और मानव जीवन का यह लक्ष्य है उस पर पिता परमात्मा को जानना। कई बार ऐसे टालते हुए सरलता से कहीं बीच में संतों में खड़े होते हैं तो ये पता नहीं होगा कि कैसी विभूति, कौन सी विभूति हमारे बीच में सम्मिलित है। ये सरलता देखो, संत कितना भी वैभव प्राप्त हो लेकिन वो स्वभाव का सरल होता है, स्वभाव का धनी होता है। अभी हमारे परम मित्र स्वामी ऋषिनाथ जी महाराज बोल रहे थे कि गुरु परंपरा से पूज्य महाराज श्री क्या है, ये जो गद्दी परंपरा है, ऐसी ऐसी महान विभूतियों ने उस गद्दी पर विराजमान होकर के हमको आच्छादित किया है, जो परंपरा से जलंधर को धन्य बनाया है। श्री चंद्रेश्वर गिरी सिद्ध पीठ संन्यास आश्रम तलाब वाड़िया में बवंजमा विराट वेदांत सम्मेलन परम पूज्य परमादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन श्री श्री देवियारा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी निरंजनानंद गिरी महाराज जी द्वारा जो सम्मेलन सब भक्तों के कल्याण के लिए, वही सम्मेलन हमारे परम पूज्य परमादरणीय श्री श्री यज्ञराज महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी रविंद्रानंद गिरी जी महाराज पूज्य गुरुदेव भक्तों के कल्याण के लिए, वही जन कल्याण के लिए आज दूर दूर से माँ बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगला मुखी जी के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान जगदीश डोगरा से सपरिवार वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में नाहूतियां डलवाई गई। सिद्धमा बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को मनुष्य जीवन में तप का व्याख्यान करते हुए कहा कि जैसे सोना तपकर चमकदार कुंदन बनता है, आटे को तपाने पर रोटी बन जाती है, दूध को तपाने से मावा बनता है, ऐसे ही तप करने से आत्मा उज्ज्वल बन जाती है और इच्छाओं का त्याग कर तप करना ही उत्तम तप है। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, रिंकू सैनी, अमरेंद्र कुमार शर्मा, नवदीप उदय, अजीत कुमार, रोहित भाटिया, सुधीर, सुमित सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया।
जय माँ बगला मुखी जी। अज माँ बगला मुखी ताम जो कि गुलमोर सिटी लम्मा पिंड चौंक से उपस्थित है माँ के भव्य मंदिर के अलौकिक हवन यज्ञ जिहड़े हर वीरवार किए जाते हैं उस कड़ी के जिहड़ा वीरवार का हवन यज्ञ किया गया और भगत जिहड़े है उस सवेर तो ही मंदिर परिसर में पहुँच के उन्होंने महामाई का आशीर्वाद लिया और हवन च आहूतियां पाईया। महामाई उन्होंने कृपा करे सारे भगत जिहड़े खुश रहन तंदुरुस्त रहन और महामाई की कृपा उन्होंने बनी रहे। माता जी का बोल साचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। महामाई बगलामुखी जी दे इस ताम पावन दरबार माँ बगलामुखी ताम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौंक के नज़दीक स्थित है महामाई की कृपा दे नाल हर गुरुवार को निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। उसी पड़ा दे विच अज भी महामाई के दरबार से एक विशाल अलौकिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन होया। दूर दूर तो आई संगत ने महामाई के दरबार से पहुँच के महामाई के चरणों के अपनी अरदास बेनती की है और हवन यज्ञ आहुतियां डाली हैं। साड़ी जगदंबा के चरणों यही बारंबार प्रणाम है और यही अरदास बेनती है। जगदंबा अपने भगतों के उत्ते अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो शारीरिक निरोगता दो घर परिवार सुख शांति दो और जिहड़ा भी भगत तुहाडे जिस भी भाव के नाल दरबार से हाजिर होया महामाई उहदी जिहड़ी हाजरी है प्रवान कर दे हर पासे। करम योग विद्यापीठ की ओर से जालंधर के आदर्श नगर स्थित सरस्वती सिंधु न्यास योग हॉल में भव्य योग और ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग व ध्यान के लाभों से अवगत करवाना और उन्हें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना रहा। कार्यक्रम का नेतृत्व कर्मयोग विद्यापीठ के अध्यक्ष जस्सी कैरो ने किया। जस्सी कैरो और उनकी रूस से आई योग विशेषज्ञों की टीम का स्वागत तुलसी की माला और पुष्प वर्षा के साथ बड़े ही आदर पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में रूस से आई विशेष योग विशेषज्ञों ने योग आसनों और ध्यान तकनीकों का प्रदर्शन किया। योग शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सतविंदर सिंह कुंदी, जस योग अकादमी की टीम और हमारा योग परिवार के सदस्य संजय योगी के साथ अमृतसर से आई उनकी पूरी टीम भी इस आयोजन में शामिल रही। कार्यक्रम का समापन एक विशेष संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुआ जिसमें प्रसिद्ध गायक गवि ने गिटार के साथ अपनी मधुर प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें सिरोपा भी भेंट किए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारा योग परिवार आदर्श नगर जलंधर में रशिया से हमारे जस्सी कैरों जी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे हॉल में पधारे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने आज हमें एक बार फिर टाइम दिया। पहले हम इनसे मिल चुके थे झंडू सिंगा में, वहां पे इनका प्रोग्राम अटेंड किया था। अब की बार इन्होंने हमें टाइम दिया था कि अब की बार आएंगे तो जलंधर ज़रूर आपकी क्लास में होके जाएंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा जस्सी कैरो एंड उनकी टीम के। अब जस्सी कैरो जी
प्लीज़। मेरा नाम जसविंदर आ, जस्सी कैरों के नाम नाम सारे जानते हैं मैनू। मैं कपूरथला सिटी तो बिलोंग करदा जी। मैं योगा मेडिटेशन योगा थेरेपी जिदा डिफरेंट कंट्रीज़ आ मेरे को रशियन स्पीकिंग कंट्रीज तकरीबन 14-15 कंट्रीज आ। ये जिदा मेरे कुछ कोलीग्स आ कुछ मेरे स्टूडेंट्स आ इन्हों जिदा एक इंडिया ये समझते एक है ना एक स्पिरिचुअल कंट्री एक होली कंट्री है ना इन्हों के मन च होंगे कि इंडिया आप जाके उत्थे कुछ आप सीखीए इंडिया से है ना क्योंकि अपनी अमीर इन्नी संस्कृति आ इंडिया की है ना ये सच वास्ते इंडिया आते तो ये जो मैं अपने एक्सपीरियंस देखा सी कि इन्हां नाल बहुत तरह की चीटिंग हो रही है ना हर तरह ना मैंटली इमोशनली फिजिकली फाइनैशली हर तरह इन्हां नाल चीटिंग हो रही सी। तो मैं फिर एक इनिशिएटिव 2010 लिया सी कि इन्हां नूं सही अपने गाइडेंस दी जाए सही इंडिया की जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी आ सही जिहड़ी इंडिया की होस्पिटैलिटी आ स्पैशली पंजाब दे विच अपने क्योंकि इतने अपनी टूरिज़म नहीं है ना कि उन्होंने अपन टूरिज़म ग्रो करिए तो इन्हों भी सही जिदा मार्गदर्शन मिल सके। वी से तम नस्तरैन का कयूरेदा से तम जनीमा शतम योगा शस वी प्रिय खले उत इंडिया दा स्टो वी वी उची इंदू समा कक वी तुशा Мы учим как будто. Я на самом деле очень удивлена. В некотором моменте у нас большой центр, в котором развиты разные направления: йога, гвоздистояние, дыхательные практики, медитация. И мне очень нравится, пропустив вашу традиционную культуру через себя, привнести что-то новое и раскрыть вашим же людям в этом какие-то новые смыслы. ये साडा इन्हों का अपना उत्थे जिदा एक आश्रम आ तो आश्रम के उन्होंने जिदा भी डिफरेंट मास्टर्स को जिदा होर टीचर्स को इंडियन संस्कृति नूं पढ़ के तो इन्हों उन्होंने अपने आप से अप्लाई करके तो फिर देखिया इन्होंने कुछ की कुछ अपने जिहड़े जिदा कहिंदे हुंदे आ घर दी मुर्गी दाल बराबर भी इंडियन लोगों थोड़ी कदर घट कर रहे हैं इसकी है ना तो असी इन्हों अपलाई करके तो देखिया कुछ भी चलो होर आप अवेयरनैस लोगों दी जाए। Я очень благодарна вашим людям, они открытые, они добрые, они все принимают с благодарностью, и везде есть учители, везде есть ученики. Для меня люди из Индии такие же учителя, как и я для них, и наоборот. Всегда есть чему поучиться. जे तुसी कहिंदे एक एक कहावत है कि जे तुसी सीखना नहीं तां तुहानू कोई सिखा नहीं सकदा ना जे तुसी सीखना चाहुंदे आ तां हर कोई तुहाडा टीचर आ ना ते मैनू इत्थे बहुत ही वधिया इत्थे जिदा इंडियन लोग आ जिदा बहुत खुल दिले आ जिदा है ना बहुत ही हसमुख सुभाअ दे आ ते इह इक बहुत वधिया क्वालिटी आ ते इहदे जरिए तुसी ईजीली सीख सकदे हो कुछ भी। कक अतनशेनिया इंदूस रूस के चुशाज На самом деле эти отношения гораздо глубже. Индия и Россия, они всегда были близки и всегда были дружественными партнерами. И духовность Индии нам всегда близка. Очень близко йога, ваши божества, культура, религия, мантры, музыка, звуки. Это нам очень близко. И вот в таком взаимоотношении, которое выстраивает Джесси, приглашая нас сюда, мы приглашаем его. Это такой обмен опытом, который очень важен для того, чтобы создать что-то лучшее, новое. А что создано на дружбе, оно очень долго приносит пользу. अपने बहुत लंबे समय तो इंडिया ते भारत दी भारत ते रशिया दी बहुत है ना दोस्ताना संबंध रहे आ ते वो बहुत ही पुराने समय तो जिदा ये उत्थों तो साडे इन्हां दे जिदा बजुर्ग आ उन्हां तो ये सीखते आ रहे आ कि अपना इंडियन कल्चर अपना संस्कृति इन्हां नूं बहुत लाइक करदे आ ते हुण सानूं साडी भी एक ये एफर्ट है इन्हां दी कि अपना जिहड़ा इंडियन कल्चरल एक्सचेंज आ उहनूं आपां डेवलप करिए। अमृतसर पिंजरा पोल गौशाला घी मंडी की तरफ से 121वां वार्षिक उत्सव एवं गोपाल अष्टमी महोत्सव 9 नवंबर दिन शनिवार को घी मंडी स्थित गौशाला भवन में बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौशाला के प्रधान संतोष गुप्ता ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सर्वप्रथम प्रातः 11 बजे ध्वजारोहण एवं गोपूजन कर समारोह का शुभारंभ होगा, जिसके बाद विश्व शांति हेतु हवन उपरांत दोपहर 2:30 बजे पंजाब गौ सेवा कमीशन के वाइस चेयरमैन मनीष अग्रवाल के कर कमलों से विभिन्न स्कूलों के छात्रों को गौ दूध पिलाया जाएगा। बाद दोपहर 3 बजे श्री राम शरणम के अमृतसर प्रमुख तिलक राज वालिया के मुखारविंद से अमृतवाणी सत्संग होगा, जिसमें नगर निगम के कमिश्नर गुलप्रीत सिंह वालक IAS मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर गौशाला की स्मारिका का भी विमोचन होगा और यह समस्त कार्यक्रम विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में होगा। उन्होंने बताया कि समारोह हेतु सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस अवसर पर गौशाला के महामंत्री अशोक कपूर, वित्त सचिव सुमन मेहरा, उप प्रधान नवल गुप्ता, उप प्रधान मनोज कुमार, मंत्री सुनील गुप्ता, गोपालन सचिव धर्मपाल चोपड़ा, प्रेस सचिव अजय बाजोरिया, कृषि सचिव कमल शर्मा, वशिष्ठ गोयनका सहित सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दस रहे हैं कि हर साल की तरह 121वां सालाना उत्सव गोपाष्टमी उत्सव असी मना जा रहे हैं, जिहड़ा कि 9 नवंबर वार शनिवार को पै रहा है। उस दिन गौ माता दी पूजा वास्ते सब तो पहला तो असी विश्व शांति हवन यज्ञ रखे है, ध्वजारोहण का प्रोग्राम रखे है और उस तो बाद गौ माता का पूजन वगैरह होएगा, जिहड़ा कि प्रेस नोट तुहानू दे रहे हैं वो हर चीज़ वो लिखी हुई है। इस तो अलावा 2:30 बजे स्कूल के बच्चों दुध पिलाने का कार्यक्रम असं हर साल करने हैं, वो भी इस तरीके इस साल ही होएगा। वो साढ़े मनीष अग्रवाल जी जिहड़े ने जिहड़े कि कौ चेयरमैन ने वाइस चेयरमैन ने उन्होंने रहनमाई जी दुध पिलाया जाएगा बच्चों। हर साल की तरह 3 बजे माननीय अमृतवाणी सत्संग होएगा, वो साढ़े बहुत वे दिलराज जी वालिया अमृतवाणी प्रमुख जिहड़े ने उन्होंने करनी है अमृतवाणी, हर साल वही करते हैं और उन्होंने आसीस ही है कि गौशाला हर साल तरक्की कर रही है। परसों 9 नवंबर को असी गोपाल अष्टमी का गोपाल अष्टमी वाले दिन 121वां गोपाल अष्टमी वार्षिक उत्सव मना जा रहे हैं, जिहड़ा कि बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाएगा। हर साल की भांति असी सारी अमृतसर जनता नू प्रेस द्वारा निमंत्रण दें कि वह इत्थे आन के अपने हत्थां नाल गौ माता नू हरा चारा चोकर शक्कर जो भी उन्हां दी इच्छा है वो खिला सकते हैं, वो इत्थे अवेलेबल है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन जिन्हें भी लोग गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता पट्ठे खिलाते हैं उन्होंने मनोकामना पूरी होंदिया ने और बहुत सारे लोग इतने अपने औलाद की प्राप्ति वास्ते अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी वास्ते उन्होंने उत्थान वास्ते इतने आते हैं और गौ माता का आशीर्वाद लेंगे। ये जो उत्सव है ये नाल ही असी गौशाला के बारे थोड़ा जिहा कहना चाहवांगा कि साडे कोल जिहड़ियां है 100% गाइयां जिहड़ियां है वह देसी गाइयां हैं और इहदा दुध जिहड़ा है बड़ा पौष्टिक है, जिहड़ा भी पंजाब की कहावत है पहला दुध गां दा, पहला दुध मां दा, दूजा दुध गां दा। अगर मां दे दुध तो बाद जे कोई पौष्टिकता किसी दुध दे विच है वह गां दे दुध दे विच है और जिहड़ी मां अपने बच्चे नूं किसी वजह नाल दुध नहीं पिला सकती वो इस गौ माता का दुध उस बच्चे नूं पिलावे तो उन्हें भी पूरी शक्ति और पौष्टिकता मिलती है। ये गल्लां जिहड़ियां ये जग जाहिर ने गूगल दे विच भी यही गल्लां कही गई हैं, कोई भी इसके उत्ते शक या शुभा नहीं कर सकता। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सतीक मंदिर कॉलोनी नजदीक बाखला पुल जालंधर की तरफ से साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह शोषोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर संजीव बजाज, मरवीश कपूर, नीरज कपूर, राजेश शर्मा, रोहित बहल,
संजीव चट्टा, डॉक्टर जसवीर अरोड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मुनीष हांडा, विजय हांडा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ओके, दिखा भी दो मिनट। माँ बगलामुखी, माँ राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदेक नजदीक गागलापुर जालंधर में माँ बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने आकर के हिस्सा लिया और अपनी मुरादों के लिए महामाई से प्रार्थना की। हे माता रानी, जो भी हमारी मनोइच्छाएं उन सभी को आप पूर्ण करना, धन धान की वृद्धि करना। कार्तिक मास चल रहा है, इस उपलक्ष्य में माता रानी की विशेष आराधना की जाती है और सभी भक्तों ने माँ के हवन में आकर के आहुतियाँ डाली और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ण अपनी माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। हरिंदर सिंह बेदी, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विराज हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में की गई। इस मौके पर पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय हरिंदर सिंह बेदी की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पूर्व सांसद सुशील रिंकू, चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा, पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी रणदीप शर्मा, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, राजेश वाघा, विवेक खन्ना, सुभाष सूद, उद्योगपति गुरशरण सिंह, प्राणनाथ भल्ला, भाजपा देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरीफ, भाजपा जिला प्रधान सुशील शर्मा, अश्विनी भंडारी, भगवंत प्रभाकर, डॉक्टर SPS ग्रोवर व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी जसबीर कौर, कमलजीत सिंह बेदी, भूपेंद्र सिंह, जगनजोत सिंह, कुलविंदर सिंह, जोली बेदी, गगन बेदी, अनु, जशन, असीस सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय हरिंदर सिंह बेदी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और बम्बिया गैंग के सदस्यों के बीच हुई मुठभेड़, दो सदस्य हुए घायल। अमृतसर CIA स्टाफ 1 की पुलिस ने हथियार तस्करी गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू, 5 अवैध पिस्तौल, 14 जिंदा राउंड किए बरामद। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे अटारी बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी का लिया आनंद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।